अभी 2016-17 और अभी 18 के अंदर किसानों के कर्जा मुक्ति व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के भाव व अन्य समस्याओं को लेके हमने राजस्थान में 2016 से एक अभियान की शुरुआत हमारे अखिल भारतीय किसान सभा ने की थी, जो किसान आंदोलन पूरे देश भर के अंदर चर्चित रहा था कि 1 सितंबर से 13 सितंबर 2017 को राजस्थान के 14 जिलों के अंदर हमने कलेक्टर कार्यालयों पर अनिश्चितकाल के लिए महापड़ाव डाला था। हमारे सीकर जिला जो संघर्ष का मुख्य केंद्र था, हज़ारों की संख्या के अंदर ग्रामीण महिलाएं भी सड़क पे आके पड़ाव पे बैठ गई, रास्ते रोक के बैठ गई और उस आंदोलन का सरकार के ऊपर इतना दबाव रहा कि राजस्थान सरकार को मजबूरी में AIKS की लीडरशिप के साथ वार्ता करनी पड़ी और वो 2 दिन चली वार्ता के अंदर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार को किसानों के आगे झुकते हुए प्रत्येक किसान के 50,000 रुपया कृषि ऋण माफ़ करने का सरकार ने निर्णय लिया, जिसके तहत हमारे राजस्थान के 28 लाख किसान को लगभग 12,000 करोड़ रुपए के कर्जा है वो हमने माफ़ करवाने का काम किया है और MSP पे फसलों की खरीद जो पहले नहीं होती थी वो फसलें भी वहाँ पर खरीद होनी शुरू हुई है। जब हमने इस संघर्ष की हमारे AIKS राजस्थान की मीटिंग करके जब हमने इसका प्रचार अभियान शुरू किया था, हमारे सामने इस प्रकार की परेशानी और दिक्कतें थी कि न तो कोई किसानों के जो तथाकथित संगठन है वो हमारे साथ आ रहे थे, न दूसरे कोई राजनीतिक पार्टी इस बात का समर्थन कर रही थी, लेकिन हमने गांव लेवल के ऊपर हमारी कमेटियों को मीटिंग करके सक्रिय करके 1 सितंबर को राजस्थान के तमाम जिला मुख्यालय पे जब घोषणाएं की तो 2-4 दिन के अंदर उस किसान आंदोलन का इतना बड़ा असर हुआ कि अनगिनत किसान संगठन, सिर्फ हमारे वर्गीय आधार वाले भी नहीं, ऐसे किसान संगठन जो व्यापारियों की संस्थाएं थी, व्यापार मंडल थे, चाहे कोई दूसरे बिजनेस करने वाले जो लोग थे, उनकी यूनियनों ने हमारे किसान आंदोलन का समर्थन किया। लाखों की संख्या पे किसान सड़कों पे आए और 2 दिन तक पूरे राजस्थान के 14 जिले, पूरी राजधानी हमारी कट गई, फिर मजबूर होकर सरकार को हमारे साथ समझौता करके हमारी बात को मानना पड़ा। अभी सरकार जब इस वायदे से पीछे हट रही थी, हमने 22 फरवरी को जयपुर कूच का ऐलान किया, 4 जत्थे हमारे AIKS के अलग अलग जिलों से निकले थे, हमारे पे दमन चक्कर भी चला, पूरे AIKS की लीडरशिप को, पूरे CPIM की लीडरशिप को 3 दिन पहले गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया, लेकिन हमारे सेकंड लीडरशिप ने सरकार के ऊपर इतना भारी दबाव बनाया जिसमें हमारे AIKS के प्रेसिडेंट कॉमरेड अशोक धवले, कॉमरेड बीजू कृष्णन आदि नेताओं ने भी राजस्थान के अंदर जाके डेरा डाला और सरकार ने बैकफुट पे आते हुए हमारी बात को भी स्वीकार किया और बगैर शर्त हमें जेल से रिहा किया है। हमने सरकार को चेतावनी दी है कि जो कुछ बातें हमारी छूट गई है, आने वाली 1 मई को मजदूर दिवस के दिन हमारे AIKS स्टेट कमेटी राजस्थान ने इस बात का फैसला किया है कि पूरे राजस्थान के जिले मुख्यालयों को हम घेरेंगे, हम वहाँ पे धरने प्रदर्शन करेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि किसानों की बात है उसको स्वीकार करें।